अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मजेदार सी अफगानी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो अफगानी चिकन जो है उसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम डलते हैं, लेकिन हम अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स में इजाफा कर देते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये अफगानी चिकन बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। अफगानी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 800 ग्राम जो है वो चिकन लिया है और उसमें मैंने इस तरह से यहाँ पे ये कट्स लगा दिए हैं। चिकन, अफगानी चिकन के लिए हमें बड़े पीसेस की जरूरत होती है, मगर मेरे पास क्योंकि ये छोटे पीसेस का ही रखा हुआ था तो मैं इसको छोटे पीसेस में ही आप लोगों को बता रही हूँ, मगर आप लोग इसको बड़े पीसेस में बना लीजिएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दही और 1/2 कप क्रीम। दही जो है वो मैंने 1 कप, मैंने अपना ये इस तरह से ये कप का साइज लिया है और 1/2 कप का मेरे पास ये साइज है। आप लोगों के पास जो भी मेजरिंग कप हो आप उस हिसाब से इसको मेजर करके ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 12 अदद बादाम लिए हैं जिनको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया है। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज्यादा मैंने कसूरी मेथी ली है। 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। 1 टीस्पून जो है वो मैंने भुना कुटा जीरा लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने नमक लिया है। इसके अलावा मैंने ये एक मीडियम साइज की प्याज ली है जिसे मैंने ये इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। 1 मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया लिया है। 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है। 12 अदद मैंने लहसुन लिए हैं और 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अब इनको मैं 1/2 कप दही के साथ जो है वो ग्राइंड कर लूंगी। अब देखिए मैं इसमें 1/2 दही जो है वो इसमें इस वक्त डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसी के अंदर जो है वो मैं आलमंड पाउडर जो मैंने बनाया हुआ था वो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको इसके साथ भी फिर मैं थोड़ा सा ग्राइंड करूंगी। अब ये देखिए हमने जो ये चिकन ली है इसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे। हमको इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 40 से 50 मिनट तक के, तो हम इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। इसमें ये कसूरी मेथी को भी हम यूं चूर चूर के इस तरह से ये भी डाल देंगे। ये लेमन जूस डाल दिया, दही डाल दिया पूरा, जो हमने 1/2 दही तो हमने उसको बीटर में डाला था और 1/2 दही जो हमारे पास रह गया वो भी इसमें डाल रहे हैं। अब इसी में हमने जो ये 1/2 कप क्रीम ली हुई थी वो भी हमने डाल दी। मैंने इसको थोड़ा सा कांटे से और विक्स से जो है थोड़ा सा फेंट लिया था मैंने। और अब जो हमने ये जो मसाला जो हमने ग्राइंड किया है इसको भी हम इस पूरे मिक्सचर को इस चिकन में हम डाल देंगे। और अब इस चिकन को मैं अपने हाथों से अच्छी तरीके से इस मसाले में मिक्स कर दूंगी। मैंने अच्छी तरीके से चिकन को इस मसाले में मिक्स कर दिया है और तकरीबन मैं इसको 40-50 मिनट्स के लिए ढककर फ्रिज में रख दूंगी। हमारा चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। तकरीबन इसको मैंने 40 से 50 मिनट्स तक के फ्रिज में रख लिया था। आप इसको 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 20 से 30 मिनट्स भी रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर फ्राइंग पैन के अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें से अब मैं चिकन के पीसेस निकाल कर इसमें फ्राई करूँगी। हमने इसको मीडियम हाई के ऊपर फ्राई करना है और जब तक कि इसके ऊपर ब्राउन से निशान ना आ जाए फ्राई के, तब तक कि हमने इसको एक साइड के ऊपर से फ्राई करना है। फिर जब वो ब्राउन निशान आ जाएंगे तो हम इसकी साइड को फिर पलट देंगे। देखिए मैंने चिकन को तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद जब इसको मैंने टर्न किया है तो उस पर इस तरीके के मार्क्स आ गए हैं, निशान आ गए हैं।
और ये इस तरह के ब्राउन निशान एग्जैक्टली आप लोगों के पास भी आने चाहिए। आप इसको इस तरह से फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर ब्राउन निशान है। अब मैंने इसको पलट दिया है, अब मैं मज़ीद 3 से 4 मिनट तक इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई करूँगी। देखिए अब ये दोनों तरफ से चिकन जो है वो अच्छी तरीके से इस तरह से फ्राई हो चुका है दोनों साइड से। अब मैं इसको इस डिश से डिश आउट कर लूँगी। अब ये देखिए मैंने उसी फ्राइंग पैन में 2 टेबल स्पून जो है वो मक्खन डाल दिया है, और जो हमारे पास ये जो जिस मसाले में हमने चिकन को मैरिनेट किया था ये सारा के सारा मसाला जो है वो मैं इस फ्राइंग पैन में दोबारा से डाल दूंगी इस तरह। यहाँ देखिए जब तक कि हमारा मसाला भुनता है तब तक कि हमने यहाँ पे कोयले को जलने के लिए रख दिया है ताकि हम इसकी धुनी दे सकें। इसमें मसाले को बहुत स्लो आंच पे नहीं बनाना है, हमें इसे मीडियम हाई के ऊपर बनाना है। और अब देखिए इसमें से ये छींटे उड़ना शुरू हो गए हैं, तो मैं इसको अब कवर करके रख दूंगी तकरीबन 6 से 7 मिनट। उसके बाद मैं देखूंगी अगर मसाला पूरा भुन चुका होगा तो मैं चिकन इसमें डाल दूंगी, वरना मैं इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट और दूंगी। देखिए अब ये हमारा मसाला भुन गया और इसने साइड से सारा जो है ये सेपरेट कर दिया है ऑयल को, और अब इसके अंदर जो है वो हम इसमें ये चिकन डाल देंगे जो हमने फ्राई करके निकाली हुई थी। अब इस मसाले में हम चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 मिनट्स के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन मसाले के साथ अच्छी तरीके से गल चुका है। अगर आपको ये लगता है कि इस वक्त चिकन गला नहीं है तो आप इसके अंदर पानी का छींटा दे के इसको मज़ीद आप 5 से 6 मिनट और दे सकते हैं, या जब तक चिकन गल ना जाए तब तक कि आप इसको दम पे रख दीजिएगा, क्योंकि चिकन फ्राई करते हुए भी आधा गल चुका था। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और उसके बाद मैं इसके कोयले की धुनी दूंगी। बना ली है और मैंने इसके ऊपर ये कोयला रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इस तरह से इसको बंद कर देंगे। आपको जितनी देर तक का चाहिए, आपको जितना पसंद है, आप चाहे 2 मिनट्स तक लगवाएं या आप इसको 1-2 मिनट के या 3 से 4 मिनट्स तक के, मैं जब तक रखूंगी जब तक कि इसका स्मोक अंदर है। इसका सारा स्मोक हम ले चुके हैं, अब मैं इसको हटा दूंगी इसमें से। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा अफ़ग़ानी चिकन बिल्कुल तैयार है, और मैं अब आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। ये बहुत ही मज़े का बना हुआ है, इसका फ्लेवर जो है बहुत यूनिक और डिफरेंट है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग इसे मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं, और आप इसे जब बनाएंगे तो आप लोग जब खाएंगे तो आप लोग अपनी उंगलियां चाटे बगैर नहीं रह सकेंगे, ये इतना टेस्टी बना है। आप लोग जब इसको बनाएं तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि जब आप लोगों ने ये बनाया तो ये कैसा बना। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करवाइए अपनी फ्रेंड से, और कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।